हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि जो मसल्स हैं उनमें तीन तरह की मसल्स हैं, वॉलंटरी हैं, इनवॉलंटरी हैं, कार्डियक हैं। लेकिन आपने ये देखा कि जो वॉलंटरी मसल और कार्डियक मसल हैं उन्हें स्टेटेड मसल कहा जाता है। स्टेटेड मसल ये हुआ, इसका मीनिंग मतलब स्टेटेड मसल की मीनिंग ये हुई कि ऐसी मसल्स जिसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं उन मसल्स को हम लोग स्टेटेड मसल्स कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि तीन तरह की मसल्स फिलामेंट मायोफिलामेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल रेगुलेटरी और जो है स्ट्रक्चरल, जिसमें कॉन्ट्रेक्टाइल दो होती हैं, एक एक्टिन होती है दूसरी मायोसिन होती है। आज आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का अरेंजमेंट मसल सेल्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो आइए देखा जाए, जैसा कि आपने देखा है कि दो रेगुलेटरी कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स हैं, एक का नाम है एक्टिन फिलामेंट्स है। ये देखिए एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन आपने लिखा, ये फिलामेंट है जो कॉन्ट्रेक्टाइल है और दूसरा मायोसिन है। तो ये दो फिलामेंट जो मसल सेल के अंदर पाए जाते हैं, तो लेकिन इसमें लिखना है कि एक्टिन फिलामेंट्स आर, ऐसे आप चाहे लिख सकते हैं कि एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर, ये पतले होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर देन मायोसिन फिलामेंट अब आपको ये समझना है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन फिलामेंट से पतले होते हैं। दूसरा मतलब ये भी, जिसकी स्पेलिंग ज्यादा है वो मोटा है, जैसे देखिए मायोसिन की स्पेलिंग ज्यादा है तो ये थिक फिलामेंट है। अगर आप इसी को सिंपली लिखते हैं तो आप कहते हैं सर एक्टिन फिलामेंट जो है, वो थिन फिलामेंट है। ये समझे आप, मतलब इनकी ये थिनर दिखाई पड़ते हैं, ये थिन फिलामेंट है। और जो मायोसिन है उस सिंपल लैंग्वेज पे अगर आप समझे तो मायोसिन जो है स्पेलिंग ज्यादा है तो ये थिक फिलामेंट है। ये देखिए, तो इनके अगर आप अरेंजमेंट को देखें, एक्टिन और मायोसिन के अरेंजमेंट को देखें, तो जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो मूवेबल है, मतलब वो मूव कर सकते हैं, मूवेबल है जो मूव कर सकते हैं। लेकिन जो मायोसिन फिलामेंट है वो स्टेशनरी है, चाहे आप स्टेशनरी कह दें या चाहे आप फिक्स्ड कहते हैं। मतलब एक्टिन फिलामेंट्स मूव कर सकते हैं लेकिन मायोसिन के फिलामेंट्स मूव नहीं कर सकते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट है मसल सेल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स का। अगर आप इसका फिगर ड्रा करना चाहते हैं तो फिगर कैसा है आप ही देखें। यहाँ समझे आप कि मैंने ये क्या किया है, देखिए ये मैंने मोटे मोटे मायोसिन के फिलामेंट यहाँ पर बना दिया है। आप ये समझे इस बात को, ऐसे ये जितने भी फिलामेंट्स मैंने मोटा बनाया है ये सारे फिलामेंट्स मायोसिन के हैं। ये देखिए आप मायोसिन के फिलामेंट्स हैं ऐसे। ये मायोसिन के फिलामेंट्स जो फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। इन मायोसिन के फिलामेंट्स को बीच से एक लाइन सपोर्ट करती है, जिस लाइन का नाम यम लाइन है। ये यम लाइन है जो मायोसिन के फिलामेंट को, ये फिलामेंट किसके हैं, ये फिलामेंट मायोसिन के हैं जिनको यम लाइन बाइसेक्ट करती है। तो सबसे पहले आप यहाँ यम लाइन के बारे में लिख लें कि यम लाइन होता क्या है। तो अगर आप यम लाइन लिखना चाहते हैं तो ये देखिए, इट बाइसेक्ट, बाइसेक्ट माने बांट देती है किसे, किस फिलामेंट को, बोलिए सिंपल से लिखिए इट बाइसेक्ट मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट को बीच से ये डिवाइड कर देती है, ये देखिए। और अगर आपसे कोई पूछे यम लाइन किसकी बनी है तो आप बोलिएगा सर ये जो यम लाइन है ये खास तरह के प्रोटीन की बनी है जिस प्रोटीन का नाम मायोमीसिन है। ये तो मतलब मायोसिन को बीच से जो लाइन डिवाइड कर देती है उसे हम मायोमीसिन कहते हैं और ये हम लाइन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो अगर आपने पुराना मोबाइल स्लाइड वाला लिया हो तो जो उसके ऊपर सरकता रहता है वो एक्टिन का फिलामेंट है और जो यहाँ पे फिक्स होता है वो मायोसिन का फिलामेंट होता है। मतलब ऐसे मोबाइल आप समझें कि अगर ये मोबाइल है ये यहाँ पे मेरे जो फिक्स है ये मायोसिन का फिलामेंट है, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई स्लाइड होता और फिर मैं इसको ऐसे ऐसे करता
तो ये एक्टिन के फिलामेंट होते हैं जो इसके ऊपर साइड करते हैं। तो अब आपको ये बात सीखना है, तो मायोसिन के फिलामेंट्स थिक हैं, ये फिक्स हैं, लेकिन एक्टिन के फिलामेंट्स मूव करते हैं, आपको ये बात सीखनी है। दूसरा फिलामेंट अगर आप देखें तो ये देखें, यहां से इस मायोसिन के फिलामेंट से के बीच बीच ऐसे एक्टिन के फिलामेंट्स हैं जो इनके बीच में पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये फिलामेंट्स हैं जिन्हें हम लोग एक्टिन के फिलामेंट्स कहते हैं, ये मायोसिन के फिलामेंट्स को कुछ दूर तक ओवरलैप करते हैं। ये देखिए, ओवरलैप करते हैं। अभी हम आपको इसका पूरा फिगर समझाते हैं, आप ऐसे ध्यान से देखें, ये जो फिलामेंट्स हैं ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं। ये देखिए, ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, ये थिन होते हैं, ऐसे आप चाहे तो ओवर बना लें। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ इधर अगर आपने एक्टिन बना दिया है तो आप फट से इधर भी एक्टिन बना दें। ये देखिए, ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं जो मायोसिन को पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए, एक ओवरलैप करते हैं, एक पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरह से। ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से ऐसे अरेंज है, ये एक्टिन के फिलामेंट्स इस यहाँ पे, ये एक्टिन के फिलामेंट्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक्टिन के फिलामेंट पे बीचों बीच एक लाइन है, ये लाइन है इस तरह से, जो एक्टिन के फिलामेंट्स को, आप चाहें तो लिख लें कि सर ये एक्टिन के फिलामेंट्स जो मायोसिन को पार्शली ओवरलैप कर रहे हैं, ये एक लाइन है जिस लाइन का नाम जेड लाइन है। तो अगर यहाँ पर जेड लाइन है तो इस तरफ भी क्या है, एक जेड लाइन है जो एक्टिन के फिलामेंट्स को बीच से डिवाइड कर रही है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि जेड लाइन किसको डिवाइड कर रही है, आप इसे यहाँ लिखें जेड लाइन, इसके बारे में डिटेल लिखें, इट बाइसेक्ट, बाइसेक्ट माने बीच से कट कर दे रही है, इट बाइसेक्ट एक्टिन फिलामेंट्स, इट बाइसेक्ट एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये देखिए, एक जेड लाइन ये हो गई, एक जेड लाइन ये हो गई, और इसके बाद अगर आप चाहें तो एक और पैंट बना दें। अगर मैंने कहा ये किसका फिलामेंट है, तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि सर ये मायोसिन का फिलामेंट है ये वाला, और देखिए मैंने दो इसमें बना दिया, ये इस तरह से, ये देखिए मायोसिन का फिलामेंट्स है, ये जो है मायोसिन के फिलामेंट्स है, अब अगर आप देखें तो फिर क्या हो रहा है, अगर आप यहां देखें तो ये जगह है जिसे एक्टिन फिलामेंट्स ने कवर किया है, ओवरलैप किया हुआ है, ये अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी लाइन है, आप कहेंगे सर ये जेड लाइन है, ये देखिए। अब आप ध्यान से देखें, समझें इस बात को, ये मायोसिन का वो एरिया है जहां पर एक्टिन ने इसे पार्शियली ओवरलैप किया है, मायोसिन का वो एरिया है जिसे एक्टिन ने पार्शियली ओवरलैप किया, ये एरिया। तो यहां से लेके यहां तक, जहां तक मायोसिन का, मायोसिन को एक्टिन ने पार्शियली ओवरलैप किया है, इसी पॉइंट को हम लोग आइसोट्रॉपिक बैंड, एनआइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, एनआइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, या इसे ए बैंड कहते हैं। ये देखिए, चाहे इसे ए बैंड कहें या जब यहां पर पोलराइज लाइट डालते हैं जिसे हम लोग डार्क बैंड कहते हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन को एक्टिन ने पार्शियली ओवरलैप किया है। लेकिन अगर आप ये एरिया देखें, यहां से लेके यहां तक जहां पर केवल एक्टिन के फिलामेंट है, इसे हम लोग आई बैंड कहते हैं, या इसे हम लोग आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, या इसे हम लोग लाइट बैंड कहते हैं, लाइट बैंड कहते हैं। तो इस तरह से देखें आप, तो ये देखिए, ये डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है। अगर यहाँ बात किया जाती है कौन सा बैंड है, आप कहेंगे सर ये भी लाइट बैंड है। अब अगर आप ध्यान से देखें, लाइट बैंड है तो किस कलर का दिखाई पड़ेगा, व्हाइट कलर का। आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पर व्हाइट कलर का दिखाई भी पड़ रहा है, ये लाइट बैंड है जो व्हाइट कलर का दिखाई पड़ेगा। डार्क बैंड इसलिए क्योंकि एक्टिन ने पार्शियली ओवरलैप तो किया ही है, और मायोसिन थिक फिलामेंट है, तो यहाँ पर आपको डार्क कलर दिखाई पड़ेगा जब आपको लाइट डालेंगे।
फिर आपको यहाँ पर ए बैंड दिखाई पड़ेगा, और इसके बाद जहां पर ये एक्टिन मायोसिन दोनों है यहाँ पर जब आप लाइट डालेंगे तो इस जगह पर आपको फिर कैसा दिखाई पड़ेगा, ए बैंड दिखाई पड़ेगा, ए बैंड मतलब डार्क बैंड दिखाई पड़ेगा, और इसके बाद ये वाला बैंड कैसा दिखाई पड़ेगा, फिर आई बैंड दिखाई पड़ेगा, मतलब आई बैंड वो जगह है जिसका फुल फॉर्म आइसोट्रॉपिक बैंड है, ए बैंड है जिसका फुल फॉर्म एन आइसोट्रॉपिक बैंड है। तो इस तरह से आप देखें कि कोई कंडीशन है, जैसे ये देखिए जहां पर ये आप एरिया देखिए, ये एरिया ये किसका फिलामेंट है, ये मायोसिन का फिलामेंट है, ये किसके फिलामेंट है, ये एक्टिन के फिलामेंट है, एक्टिन के फिलामेंट ने मायोसिन के फिलामेंट को जहां पार्शियली ओवरलैप किया है, जहां पर वो नहीं पहुंच पाया है, उस जोन को हम लोग एच जोन कहते हैं। ये देखिए तो ये जोन क्या है, ये जोन वो जगह है, अगर आपसे ये जोन कोई पूछे तो आप कहेंगे मायोसिन फिलामेंट का वो एरिया है जिसे एक्टिन फिलामेंट जो है पार्शियली ओवरलैप नहीं कर पाया है, जो स्पेस है जो जगह है उसे हम लोग ये जोन कहते हैं। तो इस तरह से आप इस फसल में देखें तो पहला ये कौन सा बैंड है जहां पर लाइट, ये लाइट बैंड है, ये कौन सा बैंड है, डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है। इस तरह से अगर आप देखें तो ए बैंड का फुल फॉर्म जो है, ए बैंड का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो ए बैंड का पूरा नाम है आइसोट्रॉपिक बैंड, कौन सा बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड है, या इसी ए बैंड को हम लोग कहते हैं, कौन सा बैंड कहते हैं, ए बैंड को हम लोग लाइट बैंड भी कहते हैं। ये देखिए तो लाइट बैंड वो जगह है जहां पर केवल एक्टिन के फिलामेंट्स है, मतलब अगर इस एरिया को देख रहे हैं जहां लाइट बैंड लिखा है, चाहे इसे लाइट बैंड का है और चाहे इसे हम लोग आई बैंड का है, जो भी आपको पसंद आ सकते हैं। ये देखिए आई बैंड, ये आई सॉरी ये बैंड नहीं, ये आई बैंड है जिसका फुल फॉर्म आइसोट्रॉपिक बैंड है, ये इसे लाइट बैंड कहते हैं। दूसरा जो बैंड है जिसका नाम हमने यहाँ पर ए बैंड से लिखा हुआ है, अगर आप ए बैंड देखें तो ये इसका फुल फॉर्म जो है एन आइसोट्रॉपिक बैंड है, ये देखें आप इसका फुल फॉर्म एन आइसोट्रॉपिक बैंड है, या इसे हम लोग जो है डार्क बैंड कहते हैं। ये देखिए डार्क बैंड और एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। तो इस तरह से मसल्स में बैंड का अरेंजमेंट है। तो अब आप देखें एक चीज और इसमें लिखी हुई है, यच जोन की बात कर लिया जाए, यच जोन क्या है, ये जोन कहाँ पे, अगर आप इस फिगर में देखें तो मायोसिन फिलामेंट में वो लोकेशन सेंट्रल पार्ट जिसे एक्टिन फिलामेंट ने कवर नहीं किया है उसे हम लोग यच जोन कहते हैं। तो लिखना है, लिख सकते हैं, देखिए सेंट्रल पार्ट ऑफ मायोसिन, सेंट्रल पार्ट ऑफ मायोसिन डू नॉट ओवरलैप बाई, डू नॉट ओवर लैप्ड बाई एक्टिन, डू नॉट ओवरलैप्ड बाई एक्टिन। इस तरह से आप देखें तो एक्टिन मायोसिन के जिन एरियाज को घेर नहीं पा रहा है, जिन एरियाज को छोड़ दे रहा है, उस एरिया को हम लोग यच जोन कहते हैं। अब यच जोन वो जगह है मायोसिन में जिसे एक्टिन ने कवर नहीं किया हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया कि अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड है। देखिए देखिए ऐसे लिख सकते हैं, तो आई बैंड, आई बैंड को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इसे हम लोग लाइट बैंड कह सकते हैं। हम आपको डिटेल सिखाते हैं इसका, आई बैंड को दूसरा नाम क्या सकते हैं, लाइट बैंड। एंड ए बैंड, ए बैंड का पूरा नाम क्या होगा, ए बैंड का पूरा नाम एनाइसोट्रॉपिक बैंड होगा, ए बैंड को हम लोग डार्क लाइट बैंड सॉरी डार्क बैंड कह सकते हैं, डार्क बैंड आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली, आर अरेंज अल्टरनेटिवली एंड गिव्स स्टेटेड अपीयरेंस, एंड गिव्स कौन सा अपीयरेंस, स्टेटेड अपीयरेंस। अब इस फिगर में अगर आप देखें जो ये बोर्ड पे एक फिगर बना हुआ है, तो जहां पर केवल एक्टिन फिलामेंट्स हैं उसे लाइट बैंड कहते हैं, जहां पर एक्टिन पार्शियली ओवरलैप है मायोसिन पे उस पूरे एरिया को, ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग डार्क बैंड कहते हैं।
जैसे आपने अगर कोई शर्ट पहन रखी हो जिसपे अल्टरनेट जैसे कि काली धारियां हो, फिर सफेद धारियां हो, फिर काली हो, फिर धारियां हो, सफेद काली अल्टरनेट हो, ऐसे ही नेचर ने इन मसल फाइबर का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो पहले कैसा बैंड है, लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, इस तरह से बैंड का अरेंजमेंट है। और मैंने आपको बताया कि ये अल्टरनेटिवली अरेंज है, और जैसे आपकी शर्ट होती है उसी धारीदार चेक की तरह ये अपीयरेंस देख रही है, धारीदार चेक की तरह अपीयरेंस दे रही है, इसीलिए इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग स्ट्रेटेड अपीयरेंस कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। इस तरह के मसल बैंड आपको दो तरह के मसल्स में दिखाई पड़ेंगे, कार्डियक मसल्स में और वॉलंटरी मसल्स में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर आपसे कोई डिस्कस करे कि ए बैंड की पूरी जानकारी क्या है, तो ए बैंड जो होता है इसका पूरा नाम अगर आप देखें तो ए बैंड का पूरा नाम है आइसोट्रॉपिक बैंड। ये देखिए ए बैंड का पूरा नाम है एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ये देखिए आप एन आइसोट्रॉपिक बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड इसका दूसरा नाम है, या ए बैंड कहते हैं, या इसी का एक तीसरा नाम है डार्क बैंड। डार्क बैंड, डार्क बैंड इसलिए जब आप यहाँ पर लाइट डालेंगे, पोलराइज लाइट डालेंगे, तो यहाँ पर आपको कौन से फिलामेंट दिखाई पड़ेंगे, इट हैज मायोसिन फिलामेंट्स। सही बात यह है कि इसमें मायोसिन के साथ साथ एक्टिन के फिलामेंट भी पार्शली ओवरलैप कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी ने यही बात लिखी हुई है कि डार्क बैंड के पास केवल मायोसिन फिलामेंट है। डार्क बैंड ये वाला एरिया है, ये वाला, ये डार्क बैंड है जहां पर मायोसिन के फिलामेंट है। ऊपर देखिए ए बैंड लिखा है, पूरा नाम मैंने लिख दिया ए बैंड का एन आइसोट्रॉपिक बैंड या डार्क बैंड। दूसरा जो बैंड है उस बैंड का नाम जो है आई बैंड है, ये देखिए दूसरा बैंड है जिसका नाम आई बैंड है, इसका जरा पूरा नाम लिखते हैं, इसका नाम है आइसोट्रॉपिक बैंड, ये देखिए इसका दूसरा नाम है आइसोट्रॉपिक बैंड, या इसी का तीसरा नाम है लाइट बैंड, ये देखिए। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको यहाँ पर लाइट वाला एरिया दिखाई पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल लिखना है लिखे इट हैज एक्टिन फिलामेंट्स, जहां पर केवल एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, जहां पर केवल एक्टिन के फिलामेंट्स हैं वो आई बैंड है। मतलब अगर आप देखें तो ये आई बैंड है, ये आई बैंड है, और इसके आगे फिर ए आई बैंड है। जहां पर मायोसिन नहीं है, केवल एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, वो जो है आई बैंड है। जहां पर एक्टिन मायोसिन के फिलामेंट अल्टरनेट है वो आई बैंड है। अगर आपसे कोई पूछे शार्कोमियर क्या है, तो आप ये देखिए शार्कोमियर क्या होता है, देखिए ये जेट लाइन से इस जेट लाइन के बीच की जो दूरी होती है इसे हम लोग शार्कोमियर कहते हैं। ये देखिए शार्कोमियर जो है दो जेट लाइन के बीच की दूरी है, और सार्कोलेमा मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ध्यान रखें सार्कोलेमा मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि शार्कोमियर दो जेट लाइन के बीच की दूरी है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं सार्कोमियर के बारे में, आप यहां लिखें सार्कोमियर क्या है, ये ऐसे सार्कोमियर लिखिए, इस बारे में लिखिए डिस्टेंस, यहां लिखिए आप डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस, दो जेड लाइंस के बीच की ये डिस्टेंस है। और अगर आप देखें इसको हम लोग यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्शन और एनसीईआरटी ने केवल कॉन्ट्रेक्शन लिखा है, एनसीईआरटी इलेक्ट्रेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है। और अगर आप देखें ध्यान से देखें तो एक सार्कोमियर में एक मायोसिन का फिलामेंट है, दो एक्टिन का फिलामेंट है। चाहे आप यहां लिख लें वन सार्कोमियर इज इक्वल टू, ऐसे लिख लें वन सार्कोमियर इज इक्वल टू वन मायोसिन प्लस टू हाफ एक्टिन। ध्यान देंगे इसका टू हाफ एक्टिन लिखा है क्योंकि आधा एक्टिन इधर है, आधा एक्टिन इधर है, ये एक हाफ है, ये हाफ है, लेकिन ये मायोसिन का जो फिलामेंट है फुल है। इसका मतलब इससे 1500 मायोसिन के फिलामेंट है तो 3000 एक्टिन के फिलामेंट है।
जितना मायोसिन होगा उसका डबल एक्टिन फिलामेंट होगा, और इस तरह से जो है एक सार्कोमियर में मतलब एक चेट लाइन में एक मायोसिन पे दो हाफ एक्टिन फिलामेंट होते हैं, और ये यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है। डिस्टेंस बिटवीन टू जेट लाइन्स को हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। मतलब जो फिगर बना होगा अगर आप इसमें देखें तो इसमें दो सार्कोमियर है, ये देखिए एक जेट लाइन ये है, एक जेट लाइन ये है। इस तरह से अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड का अरेंजमेंट कार्डियक मसल्स में और वॉल्यूटरी मसल्स में है, इसलिए उनका अपियरेंस जो है स्टेटेड अपियरेंस है, इसलिए उनको हम लोग स्टेटेड अपियर मसल्स कहते हैं। यही कॉन्सेप्ट मसल्स का ए बैंड के और आई बैंड के कॉन्सेप्ट आप समझ लें। ए बैंड को हम लोग लाइट डार्क बैंड कहते हैं क्योंकि जब आप यहाँ पर लाइट डालेंगे क्योंकि मायोसिन फिलामेंट्स मोटे हैं और नीचे पे अल्टरनेट साइड में जो है पार्शियली ओवरलैप कर रहा है एक्टिन फिलामेंट, इसलिए आपको ये पूरा एरिया डार्क दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पर आप लाइट डालेंगे तो ये एरिया आपको कैसे दिखाई पड़ेगा, ये लाइट एरिया दिखाई पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्टिन के फिलामेंट्स है और एक्टिन फिलामेंट्स थिन भी है, इसलिए ये एरिया आपको लाइट दिखाई पड़ेगा और ये एरिया डार्क दिखाई पड़ेगा। अल्टरनेट अरेंजमेंट है डार्क और लाइट बैंड का, इसलिए इस तरह के अपीयरेंस को हम लोग स्टेटेड अपीयरेंस कहते हैं। बेटा आइए देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का। एनसीईआरटी ने दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आप देखिए पहले एनसीईआरटी ने एक्टिन फिलामेंट्स का जिक्र किया है। ये देखिए आपने लिखा यहाँ पे सर एक्टिन फिलामेंट्स का जिक्र एनसीईआरटी ने सबसे पहले किया हुआ है। एक्टिन फिलामेंट्स ये है, फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स जिनको डिस्कस करना है, इसका फिगर समझना है आपको। तो अगर आप देखें तो ये जो फिलामेंट है एक्टिन फिलामेंट्स, इसके पहला कमेंट ये हुआ थिन फिलामेंट है। ये देखिए ये थिन फिलामेंट है, पहला कमेंट हो गया। और दूसरी बात है ये मूव करता है, मतलब मूव करता है, मूवेबल, या ऐसे लिख सकते हैं स्लाइड्स ओवर मायोसिन फिलामेंट। ये मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, मतलब मूव करता है। ये दूसरा कमेंट हो गया। अगर हम आपसे पूछे एक्टिन फिलामेंट्स किस बैंड में पाया जाता है तो आप कहते हैं सर एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन आइसोट्रॉपिक बैंड। ये देखिए आइसोट्रॉपिक बैंड में ये पाया जाता है। आइसोट्रॉपिक बैंड का दूसरा नाम क्या है, चाहे इसे हम आई बैंड लिखे और चाहे इसे हम लोग लाइट बैंड कहते हैं, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। थिन फिलामेंट्स है, स्लाइड करता है ओवर मायोसिन फिलामेंट। अब अगर आप इसका कमेंट देखें, देखे ईच एक्टिन फिलामेंट जितने भी फिलामेंट हैं एक्टिन के इज कंपोज्ड ऑफ टू हेलिकली वाउंडेड टू हेलिकली अरेंज्ड, जैसे डीएनए का मॉलिक्यूल है उसी तरह से अरेंज्ड होते हैं, टू हेलिकली अरेंज्ड। ये देखिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये ईएफ एक्टिन से बने होते हैं। मतलब अगर आप इसका फिगर देखें, फिगर समझे इस बात का, इसका फिगर देखें तो ये देखिए ये ऐसे एक्टिन के फिलामेंट्स हैं जो हेलिकली अरेंज्ड है, मतलब जैसे डीएनए का मॉलिक्यूल होता है ऐसे अरेंज है ये। अगर आप इनका फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बना दें। ये देखिए ये जो फिलामेंट्स है ये एक्टिन के फिलामेंट्स, ये इस तरह से एफ एक्टिन है ये। ये देखिए इनका आप चाहे नाम लिख दें कि सर इन फिलामेंट्स का नाम एफ एक्टिन है। एफ एक्टिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब हुआ फिलामेंटस एक्टिन। अगर इसका आप नाम लिखना चाहते हैं तो लिख दें ये फिलामेंटस एक्टिन है। ये देखिए ये इसलिए इनको एफ एक्टिन कहते हैं। और भी आगे बात करना चाहते लिख सकते हैं, ये देखिए एफ एक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ मोनोमोरिक, मतलब इनका जो मोनोमेरिक है मोनोमर जो है जी प्रोटीन्स
जी एक्टिन्स लिख सकते हैं या जी प्रोटीन्स लिख सकते हैं। यहाँ जी का जो सेंस है वो ग्लोबुलर्स है, ये देखिए ग्लोबुलर्स मतलब ये जो यफ एक्टिन्स के दो फिलामेंट्स हैं ये फर्दर जी एक्टिन्स से बने हुए हैं और जी एक्टिन्स जो है इनके साथ मतलब मोनो इसके मॉलिकुलर फॉर्म में दिखाई पड़ता है। अब आप ये देखें कि इसी एक्टिन के साथ साथ सेम इसी के साथ साथ ये देखें एक खास तरह की प्रोटीन है जिसके साथ हेलिकली वो भी अरेंज्ड है लगातार। ये देखें दो प्रोटीन के फिलामेंट्स हैं जो ऐसे अरेंज है, ये भी इसी तरह से अरेंज है और इनका जो नाम है इनका नाम अगर आप देखें तो ये ट्रोपो मायोसिन है, ये देखिए। तो ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट भी तो दो हैं, एक्टिन फिलामेंट से भी दो फिलामेंट है, ट्रोपोमायोसिन के भी दो फिलामेंट है, एक्टिन के भी दो फिलामेंट है। तो आप चाहे लिख सकते हैं क्योंकि ट्रोपोमायोसिन जो है रेगुलेटरी प्रोटीन है इसलिए लिख सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को। ट्रोपोमायोसिन ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन इसके दो स्ट्रैंड्स हैं अरेंज्ड, ट्रोपोमायोसिन अरेंज्ड पैरेलल टू यफ एक्टिन्स। ट्रोपोमायोसिन के लिए दो फिलामेंट यफ एक्टिन के पैरेलल ऐसे सीक्वेंस में अरेंज है, ये दूसरी बात हो गई। अब आपको तीसरी बात ये देखनी है कि इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर यहां पर देखें आप ऐसे ही यहां पर एक खास तरह के ऐसे आप देखें स्टार लगे हुए हैं ऐसे रेगुलर इंटरवल पर, ये देखें ऐसे स्टार लगे हुए हैं आप एनसीईआरटी में देखेंगे ऐसे बनाया गया है, इन स्टार्स को लोग ट्रोपोनिन कहते हैं। तो अब अगर आप सबसे पूछे ट्रोपोनिन किसके ऊपर है तो आपको कहना है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है, एक्टिन के ऊपर नहीं है और रेगुलर है, रेगुलर में इंटरवल पे तो आप कहेंगे सर इंटरवल पे है। तो अगर आप देखें ट्रोपोनिन के बारे में देखें तो ट्रोपोनिन जो है ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, ट्रोपोनिन इज अरेंज्ड, ट्रोपोनिन इज अरेंज्ड ऑन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन इज अरेंज्ड ऑन ट्रोपोमायोसिन इन रेगुलर इंटरवल, इन रेगुलर इंटरवल मतलब बीच बीच में जगह जगह पर ट्रोपोनिन अरेंज है, ये जो आप ट्रोपोनिन देख रहे हैं। अगर आप एक ट्रोपोनिन का फिगर देखें तो ये जो ट्रोपोनिन इसको टीआरपी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस ट्रोपोनिन को हम लोग टीआरपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस ट्रोपोनिन के तीन फार्म दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे आपको ये फिगर दिखाई पड़ेगा एक दो और तीन, आप इन सेटिंग ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। और ये ट्रोपोनिन किससे जुड़ा है, ट्रोपोमायोसिन से, इसके ये जो तीन बाइंडिंग साइट्स हैं एक का नाम है टीआरपी सी, ये देखिए एक का नाम है टीआरपी टी, ये देखिए और तीसरा है टीआरपी आई, ये देखिए इसके तीन बाइंडिंग साइट होती है। तो मैंने आपको ये बात पहले समझ लिया ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है, जैसे ये समझें आप कि ये ट्रोपोनिन है ये ट्रोपोमायोसिन है इसके ऊपर ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन एक्टिन के ऊपर नहीं है तो इसके ऊपर तीन साइट है। अगर आप टीआरपीटी का नाम देखें तो टीआरपीटी का नाम मतलब हुआ ये टीआरपीटी ट्रोपोनिन की वो साइट है, ट्रोपोनिन की वो साइट है जिससे वो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो आप लिख लें कि ये ट्रोपोनिन की वो साइट है जिससे वो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, ये पहला हो गया मतलब ट्रोपोनिन की वो साइट जिससे वो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है वो साइट है। दूसरा देखें ट्रोपोनिन सी, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट है मतलब ट्रोपोनिन के पास ये वो जगह है जहां पर कैल्शियम बाइंड करेगा क्योंकि ट्रोपोनिन के पास तीन बाइंडिंग साइट है। ट्रोपोनिन आई इसे हम लोग इनहिबिटरी साइट कहते हैं, ये देखिए इनहिबिटरी साइट है, आई का मतलब यहां पर इनहिबिटरी साइट है। तो इस तरह से ट्रोपोनिन जो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है उसके ऊपर तीन साइट है, ट्रोपोनिन टी है जो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट है, ट्रोपोनिन सी है जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, ट्रोपोनिन आई है जो इनहिबिटरी साइट है, ये तीन साइट है। अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं किसका फिलामेंट है आप कहेंगे सर ये तो एक्टिन का फिलामेंट है जिसको एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है, और मैं आपसे पूछूं कि एक्टिन फिलामेंट्स
किसके ऊपर बाइंड करते हैं? तो आप कहेंगे सर ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं जो मायोसिन पे बाइंड करते हैं, मतलब ये मायोसिन का फिलामेंट है और ये आप समझें कि इस तरह से ये एक्टिन का फिलामेंट है इसके नीचे, तो ये एक्टिन मायोसिन ऐसे ही तो बाइंड करेगा। इसका मतलब एक्टिन मायोसिन की वो जगह है जहां पर एक्टिन बाइंड करता है, मायोसिन की वो जगह जहां पर एक्टिन बाइंड कर सकता है वो जगह उसको ट्रोपोलिन आई लॉक रखता है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में एनसीआरटी ने क्या लिखा है, एनसीआरटी ने क्या लिखा है पहले आप डिस्कस कर ले, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोलिन, ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोलिन, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोलिन का सेंस यहां पर ट्रोपोलिन आई से है। मास्क, मास्क माने बंद किए रहती है। मार्क्स द बाइंडिंग साइट ऑफ, मार्क्स द बाइंडिंग साइट ऑफ, मार्क्स द बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। कितनी बारीक बात है, एनसीआरटी यही लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सीख जाएं। मतलब एक्टिन फिलामेंट की वो जगह जहां पर मायोसिन को बाइंड करना है उसे इस ट्रोपोलिन आई ने लॉक कर रखा है। ऐसे समझे आप कि ये मायोसिन का फिलामेंट है, इस मायोसिन के फिलामेंट को इस एक्टिन पे बाइंड करना है, तो आखिर ये मायोसिन एक्टिन पे बाइंड करेगा, तो जिस जगह पर इसे एक्टिन पे बाइंड करना है उस जगह को इस ट्रोपोलिन आई ने लॉक कर रखा है। मतलब ट्रोपोलिन आई ने एक्टिन पर उस जगह को लॉक कर रखा है जहां पर मायोसिन को बाइंड करना है। फिर से सुन लें आप इस बात को, ट्रोपोलिन आई ने एक्टिन पर उस जगह को लॉक कर रखा है, मास्क कर रखा है जहां पर मायोसिन को बाइंड करना है। फिर सुनिए इस बात को, ट्रोपोलिन आई ने एक्टिन की उस जगह को लॉक कर रखा है, मास्क कर रखा है जहां पर मायोसिन को बाइंड करना है, और वो ट्रोपोलिन की कौन साइट है, कौन सी सब यूनिट है, उस सब यूनिट का नाम ट्रोपोलिन आई है। ये जो ट्रोपोलिन है और ट्रोपोमायोसिन है ये दोनों फिलामेंट जो है ये रेगुलेटरी फिलामेंट है, जबकि जो एक्टिन है वो कैसा फिलामेंट है, वो फिलामेंट जो है कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि नॉर्मल कंडीशन में, आप एक बार फिर सुन लें, नॉर्मल कंडीशन में एक्टिन की वह जगह जहां पर मायोसिन को बाइंड कर रखा है, सोचिए ये एक्टिन का फिलामेंट है मेरा हाथ, ऐसे समझे आप, और ये मायोसिन का फिलामेंट है जहां पर एक्टिन को बाइंड करना है, तो मायोसिन ऐसे बाइंड करता है, तो जिस जगह पर मायोसिन को बाइंड करना है उस जगह पर एक्टिन ट्रोपोलिन ने लॉक रखा है, एक्टिन को लॉक रखा है जिस पर मायोसिन को बाइंड करना है। ये बात आपको सीखनी है, ये बात समझनी है। अब जो मायोसिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट है, अगर आप देखें तो ये दूसरा जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का नाम आपने कहा सर ये मायोसिन फिलामेंट्स हैं जिनका डिस्कशन करना हम लोगों को, जिसका डिस्कशन एनसीआरटी ने भी किया हुआ है, तो मुझे लगता है पढ़ना ही पड़ेगा, हमारा काम ही पढ़ना। तो अगर आप मायोसिन फिलामेंट्स को देखें तो मायोसिन फिलामेंट्स के बारे में पहला कमेंट आप लिखें कि सर ये थिक फिलामेंट्स हैं, ये थिक फिलामेंट्स हैं, पहला कमेंट हो गया। और अगर आप सार्कोमियर में देखें तो ये स्टेबल है, चाहे आप स्टेबल ना कह के आप कह सकते हैं ये फिक्स्ड है, मतलब ये मूव नहीं करते हैं, फिक्स्ड है, फिक्स्ड फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है। और जो है तीसरी बात अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेजेंट हैं ये फिलामेंट्स प्रेजेंट ऑन किस बैंड में, अगर आपको याद हो तो इस बैंड का नाम ए बैंड है, प्रेजेंट ऑन ए बैंड, चाहे ए बैंड कहें चाहे इसे एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहें, जो भी आपको पसंद हो आप कह सकते हैं, चाहे ए बैंड कहें तो चाहे इसे एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहें, और या इसे चाहे हम लोग कौन सा बैंड कहें, आपको पक्का याद होगा इसे हम लोग डार्क बैंड भी कहते हैं। तो ये वो फिलामेंट हैं जो फिक्स हैं, थिक फिलामेंट हैं, और मायोसिन फिलामेंट भी ये पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, अगर आप देखें तो ये पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, इसका जो मोनोमर है, मतलब आप समझें इसका जो मोनोमर है, मायोसिन जो है पॉलीमर है और इसका जो मोनोमर है, इसका जो मोनोमर है उस मोनोमर का नाम नीरोमायोसिन है, इसका जो मोनोमर होता है उस मोनोमर का नाम नीरोमायोसिन होता है, नीरोमायोसिन है। ये देखिए ये मतलब मायोसिन जो है थिक फिलामेंट है, लेकिन की जो यूनिट है उसे हम लोग नीरोमायोसिन कहते हैं। और अगर आप देखें तो इस मायोसिन फिलामेंट के मेनली दो पार्ट होते हैं, मायोसिन फिलामेंट के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है जिसे हम लोग हेड कहते हैं, ये देखिए
और दूसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग टेल के टेल कहते हैं। इसका अगर आप फिगर बनाना चाहें तो आप यहाँ पर फिगर इसका देखें, ये ऐसे स्नेक जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, हुड जैसा, जैसा स्नेक का हुड होता है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। और ये देखें आप इस तरह से, ये तो, ये तो इसका पार्ट है जिसे हम लोग हेड कहते हैं ऊपर वाला, लेकिन ये यहां से यहां तक का एक पार्ट है जिस आर्म को हम लोग क्रॉस आर्म कहते हैं, ये देखें। और यहां से लेके यहां तक ये जो एरिया है इस पार्ट को हम लोग टेल कहते हैं, ये देखिए। तो ऊपर हो गया हेड, फिर हो गया क्रॉस आर्म, फिर हो गई टेल। तो आप चाह ले सकते हैं कि क्रॉस आर्म जो होती है कहां पर पाई जाती है, क्रॉस आर्म इज प्रेजेंट इन मायोसिन, क्रॉस आर्म इज प्रेजेंट इन कहां पे, मायोसिन। क्रॉस आर्म जो होती है वो मायोसिन में पाई जाती है, जबकि एक्टिन में एब्सेंट होती है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये बाद में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करती है, क्रॉस ब्रिज के बनने में और क्रॉस ब्रिज के टूटने में दोनों में जो है एटीपी का इस्तेमाल होता है। अब आप ये देखें कि जो टेल है, जो इसका हेड है, अगर आप हेड को देखें तो हेड जो होता है इसके लिए कंपोज्ड ऑफ जो इसका ऊपर वाला पार्ट है हैवी मीरोमायोसिन, कंपोज्ड ऑफ हैवी मीरो, कंपोज्ड ऑफ हैवी मीरो मायोसिन, इस सब शॉर्ट में हम लोग HMM कहते हैं, ऐसे लिखते हैं आप। हेड जो है हैवी मीरोमायोसिन के बना जिसे HMM कहते हैं, इसका जो टेल है ये देखें आप, टेल जो है ये कंपोज्ड ऑफ यहां देखें आप लाइट मीरोमायोसिन। इस साइड के साथ में हम लोग LMM कहते हैं, ये देखिए लाइट मीरोमायोसिन। तो हेड जो है ये बना हुआ हैवी मीरोमायोसिन का, जबकि इसकी टेल जो बनी है वो लाइट मीरोमायोसिन की बनी है, LMM की बनी हुई है। इसके अगर आप हेड पर यहां पर देखेंगे तो एक साइट है जिसे हम लोग कह रहे हैं कि सर ये ATP बाइंडिंग साइट है। अगर आप ध्यान से देखें तो ATP बाइंडिंग साइट एक्टिन में नहीं है, केवल मायोसिन में है। फिर मैं जो कह रहा हूँ ध्यान सुन लेना, ATP बाइंडिंग साइट एक्टिन में नहीं है, मायोसिन में ही है। तो आप इसे यहां लिख लेंगे कि ATP बाइंडिंग साइट है, मतलब ये वो जगह है जहां पर ATP बाइंड करता है, मतलब ATP बाइंडिंग साइट केवल मायोसिन में है, एक्टिन में नहीं है। दूसरा अगर आप देखें, एक दूसरी लोकेशन है यहां पर जिसे आपने लिखा है सर ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये वो जगह है जहां पर एक्टिन आके बाइंड करता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये देखिए। अब आपके बात और समझना है, क्योंकि यहां पर ATP का इस्तेमाल मायोसिन का फिलामेंट करेगा। आप चाहे बड़ा सा ऐसे लिखते सुंदर लगेगा, जब कोई चीज सुंदर लगती है तभी वहां पर कोई चीज कोई भी व्यक्ति उसे देखता है, दर्शन के साथ प्रदर्शन होता है। क्या कहा मैंने, दर्शन के साथ प्रदर्शन के होता है। तो इसलिए आप देखिए कि अगर यहाँ पर ATP का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम ATP काइनेज है। ये देखिए ATP काइनेज है, ये एंजाइम क्या करता है, इस एंजाइम की मदद से हम लोग ATP को ब्रेक करके इससे ADP प्लस फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ATP का इस्तेमाल जो है ये ATP काइनेज करता है, एंजाइम में बाइंडिंग साइट इसके हेड पे होती है जो ATP का इस्तेमाल करने के बाद उसको ATP प्लस फास्फेट में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक्टिन से एकदम डिफरेंट फिलामेंट है ये, इसमें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, ये क्रॉस आर्म है, ये टेल है, ये हेड है, एंजाइम बाइंडिंग साइट है, ATP बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। अब सोचिए मायोसिन पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है तो एक्टिन पे कौन सी बाइंडिंग साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है। तो एक्टिन पे जहां मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसी को तो ट्रोपोनिन की आइस यूनिट इस लॉग मास कर रखा है। तो इस तरह से ये मायोसिन का फिलामेंट है जो थिक है, फिक्स है, ए बैंड में पाया जाता है, पॉलीमराइज प्रोटीन है, इसके मोनोमर का नाम मीरोमायोसिन है। मायोसिन में हेड और टेल दो पार्ट है, क्रॉस आर्म पाई जाती है इसमें जो बाद में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करती है। हेड जो है हैवी मीरोमायोसिन का बना हुआ है, टेल इसका लाइट मीरोमायोसिन का बना हुआ है, और इसमें इस हेड पर ATP बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन का फिलामेंट आके यहाँ पे जुड़ता है। और ये देखिए ये ATP काइनेज जो है वो ATP प्लस फास्फेट में बाद में इसको ब्रेक कर देता है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप इसे समझ लें कि ये किसका फिलामेंट है। आपने कहा सर अरे आप तो हमें बनाए हुए हैं, ये देखें ये एक्टिन का फिलामेंट है,
एक्टिन का फिलामेंट है और इस पर आके सॉरी मायोसिन का फिलामेंट है और इस पर आके एक्टिन के फिलामेंट को जुड़ना है। ये देखिए ये एक्टिन का फिलामेंट है, तो एक्टिन पे किसको जुड़ना है, मायोसिन को। जब मायोसिन का ये एरिया जुड़ जाता है तो इस एरिया को जहाँ पर एक्टिन मायोसिन जुड़ जाते हैं यही क्रॉसआर आगे चल के क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर देता है। एक्साइटेड स्टेट में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर देता है। इसको ब्रेक करने में और टूटने में दोनों स्थिति में एटीपी का इस्तेमाल होता है। क्रॉस आर्म आगे चल के क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर देता है। ये बात आपको सीखनी है, समझनी है और किसी तरह से कोई गलती नहीं करनी है।